दिस इज प्रो जनू थ्रिया इस वीडियो में अपन बात करेंगे क्लास सिक्स साइंस एनसीईआरटी का ये चैप्टर टू है उसके प्रमुख शब्दों के बारे में ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला शब्द है कठोर कठोर किसे कहा जाता है ऐसी कोई भी वस्तु जिसे इजीली प्रेस नहीं किया जा सकता ठीक है जो हार्डनेस हो जिसमें ठीक है उसे दबाने पर हमें हार्डनेस फील हो ठीक है उसे दबाना आसान नहीं हो वो कठोर वस्तु होती है सेकेंड एबलिय दो प्रकार की कंडीशंस होती है एक होती है बिले और एक होती है एविले बिले उसे कहा जाता है जो अच्छी तरह से घुल जाता है उसे मिश्रित हो जाता है किसी में जैसे पानी में हमने चीनी या नमक गोला तो मिश्रित हो गया तो वो हो गया विलय लेकिन हमने जब पानी में मिट्टी गोली पानी में चौक गोला तो क्या हुआ वो मिश्रित नहीं होगा वो मिश्रित नहीं होगा तो वो क्या है एविले कंडीशन होगी एविले मतलब मिलना नहीं विलय नहीं होना वो होता एविले धुती में धुती में मतलब होता है चमकीला कागज़ का टुकड़ा होगा वो चमक नहीं देगा ठीक है पॉलिस वगैरह हो वो अलग बात है चमक नहीं देगा लेकिन जब स्टील वगैरह होती है वो दूर से ही चमकती है जैसे उस पर लाइट पड़ेगी वो दूर से चमकेगी ठीक है तो वो जो होती चमकदार चमकदार हमें साइनिंग जो हमें फील होना कि हाँ दूर से चमक रही है वो जो होता है धुती में या चमकीला अगला है पदार्थ किसी पदार्थ का किसी मैटर का या पदार्थ का इन क्या कहें जैसे कोई चीज़ है वो जिससे मिलकर है, जिसका केमिकल कंपोजिशन मेन केमिकल कंपोजिशन जो होता है वो पदार्थ कहलाता है पदार्थ का इन सेंस जो उसका मेन कंपोजिशन है वो पदार्थ कहलाता है पदार्थ सारे होते हैं जल मिट्टी लकड़ी एक्सेट्रा जितने भी हैं वो सारे पदार्थ हैं ठीक है ठीके? बिना पदार्थ या पदार्थ एक नाम हो गया उनका जो मेन कंपोजिशन होगी उसका नाम बिना इस नाम के संभव ही नहीं किसी चीज़ का बनना ठीक है अगला है धातु धातु ऐसे होते हैं जिनमें हार्डनेस होती है मोस्टली कुछ एग्जाम्पल्स हैं ऐसे जिनमें हार्डनेस वगैरह नहीं होती बाकी हार्डनेस होती है इनमें चमकदार होते हैं ये ये तन्ने होते हैं तन्य मतलब खिंच जाते हैं कितना भी ठीक है सोना जो होता है उसे क्या एक तार लम्बा तार बनाया जा सकता है उससे ठीक है चमकदार होते हैं तन्य होते हैं भंगुर नहीं होते वे जो होते हैं वो धातु कहलाते हैं अगला है अपारदर्शी अपारदर्शी मतलब जिससे पार कुछ नहीं देखा जा सकता जिससे पार प्रकाश की किरणें नहीं जा सकती वो होता है अपारदर्शी ठीक है जो परछाई छाया बनती है वो इसी बेसिस पर बनती है अगला होता है रुच रुछ मतलब खुरदरा भाई दो तरह के होते हैं ना एक चिकना होता है और एक होता है खुरदरा ठीक है खुरदरा तो चिकना और खुरदरा जो प्लेन सरफेस होती है एकदम प्लेन जिस पे हाथ अपन फेरा तो एकदम स्मूथनेस फील हो वो होता है चिकना लेकिन जब बीच में हमें उबड़ खाबड़ या कुछ ऐसा फील हो तो वो होता है खुरदरा ठीक है रुच विलय आपने डिस्कस किया एविले तो ठीक है ये विलय हो गया जो अच्छी तरह से मिश्रित हो जाता है वो विलय कहलाता है पारवासी पारवासी का मतलब है कि जिससे लाइट जो है वो कुछ लाइट जाएंगी ठीक है तो एक आसी लाइट जाएगी कम लाइट जाएगी उससे है ना कम अमाउंट में लाइट जाएगी वो होता है पारवासी मतलब दिखाई देता है लेकिन धुंधला दिखाई देता है जैसे कोई पारवासी कांच है हम उसके आर पार देखेंगे अगर कोई आदमी है तो हाँ हमें ऐसे दिखाई देगा कि कुछ तो है इसके आर पार लेकिन क्या है ये हमें दिखाई नहीं दे रहा लेकिन अगर ये भी दिखाई दे जाए कि हाँ चलो ये आदमी है थोड़ा सा लेकिन कौन है ये दिखाई नहीं देगा तो पारदारसी मतलब नॉट क्लियर ठीक है पारदर्शी जिससे आर पार सब कुछ देखा जा सकता हो जितनी प्रकाश लाइट आई उतनी निकल गई वो जो होता है वो पारदर्शी होता है ठीक है जितने भी कांच वगैरह होते हैं और पॉलीथीन वगैरह होती हैं जो पारदर्शी पॉलीथीन होती है ठीक है वो सारी जो है वो पारदर्शी होते हैं ठीक है थैंक यू